देख रहे हो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एनसीआर आलोक। बहुत दिन से मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था, तो आज सुबह के बज रहे हैं 5:30। अभी देखो उजाला हुआ नहीं है। तो आज मैंने ना सुबह सुबह, क्योंकि आज इलेक्शन का टाइम है ना, तो आज वोटिंग का दिन है, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं अपनी बाइक वॉश कर लेता। मेरी बाइक हो गई बहुत ज़्यादा गंदी, पूरी गंदी हो रखी है यार ये। तो छुट्टी मिली है, 2 छुट्टी, तो मैं अपनी ना सुबह वाली छुट्टी बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले धो रहा हूँ अपनी सुबह 5:30 बजे उठ के बाइक, उसके बाद जाएंगे वोट करने के लिए। और आप सब भी जाइएगा वोट करने के लिए। डिसीजन टोटल आपका है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो वोट दीजिए, वोट ज़रूर दीजिए, वोट आपका अधिकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी बाइक धोने के लिए यार। पीछे वाला तो हो गया है, तो अब मैंने आगे वाला टायर भी सोचा साफ़ कर देता हूँ, तो दोनों टायर एक बारी में क्लीन हो जाएंगे। तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये आगे है ना, तो इसमें ज़्यादा मिट्टी होती नहीं है, तो ये भी पानी से निकल जाएगी। मैं थोड़ा सा इसमें ना पानी में सर्फ मिला चुका हूँ, शैम्पू मेरे पास इस समय था नहीं, तो मैंने जो डिटर्जेंट है वो डाला हुआ है, वो फूल गया है पूरा, जो दाने होते हैं ना वो ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने इसको वॉश किया ताकि वो स्क्रैचेज़ ना आए। आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। इंजन का मैं पूरा साफ़ कर चुका हूँ, बाइक के पीछे वाले टायर में भी मैंने अब ये सर्फ वाला पानी लगा दिया है, तो जो बचा कुचा गंदा था वो निकल गया है। एक बार कपड़े को धो लेते हैं ताकि वो क्लीन हो जाएगा, और फिर मैं आगे का जो इंजन वाला पार्ट है ना, जो अपाची में ना सबसे आगे काफ़ी मिट्टी जमा हो जाती है, वो बारिश में होती है बेसिकली, और वो भी मैंने कर दिया, वो काफ़ी मिट्टी थी, फिर मैंने दोबारा कपड़ा अपना धो लिया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था मैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आपको करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मैं पूरा आगे से पीछे से पूरा बाइक को साफ़ कर दिया। ज़्यादातर ना मिट्टी बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको, मेरी रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से प्यार से हैं रगड़ रगड़ के नहीं किया भाई, स्क्रैच आ जाते, तो मैंने इसको प्यार से पूरा साफ़ कर दिया है। और कपड़े को भी ना बार बार वॉश कर लेता हूँ मैं। अब उस तरफ जो बचा हुआ था ना वो भी मैं एकदम, तो वो भी मैंने ना क्लीन कर दिया है, और बाइक को अब दोनों तरफ से ना अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो मैंने अब ना वो सर्फ वाला पानी ले रखा है, तो क्योंकि एक बार मैं इसे नॉर्मल वाटर से ना, नॉर्मल पानी से इसको क्लीन कर चुका हूँ, उसकी जो मिट्टी थी वो फूल गई है, तो वो सारी निकल रही है। अब मैं सर्फ़ वाले पानी से ना इसको वॉश कर रहा हूँ दोनों तरफ से, जो साइलेंसर है साइलेंसर की तरफ का भी है वो, तो क्योंकि मैंने कैमरा ये रखा हुआ है ना ज़मीन पे, तो उस तरफ का भी आपको सिर्फ थोड़ा सा ही दिख रहा है। और ये व्हील का जो ये होता है अलॉय, मैंने इसको मूव कर लिया है, और इसके बीच में जो भी ना घस घस की आवाज़ आ रही थी, वो मिट्टी थी, वो भी मैंने क्लीन कर ली है। और ये देखो, एक नए एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टैंड है, स्टैंड के आसपास जो नीचे मिट्टी होती है वो भी निकाल लिए। तो भाई ये धुल गई, काफ़ी मेहनत लगी। मैंने इसको बाल्टी मग्गे और पानी से ना मैंने इसको धो दिया है। और देख लो, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, अब थोड़ी थोड़ी चमक रही है। ये तो पानी पानी है, अभी इसको पोछना पड़ेगा, बहुत गंदी हुई थी बारिश में ना, बीच में दिल्ली में बारिश हो गई, मैंने सर्विस कराई थी, उसके बाद धोया नहीं, टाइम नहीं मिला, कंटिन्यूसली काम काम और काम ही हो रहा था।
तब टाइम मिला है, मैंने उसको धो दिया है। अब इलेक्शन है, अब मैंने 5:30 बजे शुरू किया था और काफ़ी टाइम लग गया है। तो अब इसको ड्राई होने दूँगा मैं, ड्राई होने के बाद इसको एक बार गीले कपड़े से पोंछ दूँगा और फिर करूँगा इस पर पॉलिश। तो चलिए, मेरा आज का ब्लॉग था यहीं, फिर जब इलेक्शन में जाएंगे वोट देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम लगे मुझे, 10-12 दिन हो गए कोई वीडियो डाला नहीं था, तो एक छोटा सा मैंने ये वीडियो डाल दिया है। और देख लो एक बार, और देख लो, यही देखो।